हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का दूसरा क्लास है और पिछले क्लास में आप लोगों को थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी में प्रॉब्लम हुई होगी, नया है, परंतु इसका बहुत फायदा है, इसीलिए इसका उपयोग कर रहे हैं और धीरे धीरे हम आपको इसके फायदे बताएंगे। मतलब सिर्फ स्मार्ट बोर्ड का नाम स्मार्ट नहीं होना चाहिए, इसका काम स्मार्ट होना चाहिए। और हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अलग अलग जगहों, दूर दूर, जैसे कि कोटा और अदर बड़े बड़े जगहों के टीचर किस तरह के क्लास लिया करते हैं, आप जरूर देखें। हमेशा अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर, थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करें। जो भी हैं आप, मैं भी आज जो भी हूं, अगर कल मैं इससे बेहतर नहीं हुआ तो इसका मतलब है मैंने कल को बर्बाद कर दिया। हर दिन, हर पल आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करना चाहिए, तभी आप एक्चुअल इंसान हैं। क्योंकि आप जानवर भी अपनी स्थिति में जी लेता है, लेकिन इंसान अपनी स्थितियों को, अपनी सिचुएशन को बदलते रहता है, अपने आप को बदलता है और बेहतर करता है। इसीलिए हम ये आपके सामने लाए हैं और इससे बहुत फायदा होगा। और सबसे बड़ा फायदा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि कम समय में ज्यादा समझ। क्या बोल रहा हूं? कम समय कम लगेगा और आपको समझ ज्यादा आएगा। यही तो आपका फोकस होना चाहिए कि आपको कम समय में ज्यादा चीज पढ़ा दिया जाए, हाँ या ना। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक मिनट, आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूं, कि इसके फायदे क्या क्या है। बात समझ रहे हैं? इस बोर्ड से फायदे क्या है। जैसे कि कल अगर कोई बच्चा कल का क्लास नहीं किया होगा, एक भी सेकंड नहीं किया होगा, हम सब कुछ आपको बता देंगे, लेकिन आपको एक मिनट में दिखाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं, एक सेकंड में आपको पता चलेगा कि इसका फायदा क्या है। देखिए, ये था कल का क्लास। अब नॉर्मल क्लास में, नॉर्मल जो हम लोगों का बोर्ड था उसमें यह संभव नहीं है। अब इसमें हम एक एक चीज करके आपको बता सकते हैं क्या, कि हम क्या पढ़े थे। चैप्टर का नाम था डायमेंशनल एनालिसिस, जो हम लोग स्टार्ट किए थे। एक मिनट में जस्ट आप इसके फायदे देख लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, हम क्या समझे थे, हम क्या विमीय विश्लेषण, हम समझे क्या थे कि किसी भी, ध्यान से सुनिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि किसी भी डिराइव्ड फिजिकल, हर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल से ही मिलके बना होगा। यानी कि सारी व्युत्पन्न राशियां किससे मिलके बनी होती, मूलभूत। अगर आपसे एक लाइन कोई पूछे डायमेंशनल एनालिसिस में, तो आप ये बोलिएगा कि सारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां मूलभूत भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि व्युत्पन्न को मूलभूत के रूप में बता सकते हैं। सारा घर पांच चीज से बना हुआ है, सीमेंट, बालू, छर, गिट्टी, ईटा, ठीक है। तो हम किसी भी घर को इस पांच के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि भैया हमको इतना सीमेंट लगा, इतना बालू लगा, इतना छर्री लगा, इतना ईटा लगा, ये लगा और बना मेरा क्या, ये घर। बात समझ रहे हैं? मेरा प्यारा घर, इतना बात समझ रहे हैं? यानी कि चाहे किसी का भी घर बना हो, ये पांच राशियां उसमें लगी ही होंगी। तो उसी तरह चाहे कोई भी व्युत्पन्न भौतिक राशि हो, चाहे बल हो, ऊर्जा हो, एनर्जी, वर्क, पावर, कुछ भी हो, वो बना होगा सात। और सात कौन कौन सा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। यही बात हम यहां पे बताए थे, इसके बारे में लिखाए थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज, डायमेंशनल फॉर्मूला किसे कहते हैं। तो जब जब किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को, जब किसी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के रूप में चेंज करते हैं, तो एक फॉर्मूला प्राप्त होता है। उसमें पावर वावर चढ़ा करके एक फॉर्मूला प्राप्त होता है, उसी फॉर्मूला को क्या कहते हैं हम, डायमेंशनल फॉर्मूला। उसमें जो पावर चढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन। देखिए क्या उपयोग है, ठीक है। अगर आप इसमें से किसी भी चीज का नहीं लिए होंगे, मान लिया जाए कल बहुत सारे बच्चे कि हम नहीं लिए, तो कोई हड़बड़ी नहीं, इसीलिए हम इतना भी टेंशन नहीं ले रहे। आप वीडियो देख करके आज भी ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, नहीं लिए कोई बात नहीं। फिर डायमेंशनल इक्वेशन, विमीय समीकरण क्या है। तो विमीय समीकरण सिखाए थे कि
वो भौतिक राशि और साथ में उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, भौतिक राशि और साथ में उसका डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वलिटी साइन के साथ। तो जैसे v इक्वल टू एल टी माइनस वन, यही हुआ क्या, ये पूरा हुआ डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा चीज पढ़े थे और ये आपको क्या दिए थे एच डब्ल्यू, इसमें भी बहुत लोग बनाए थे, कुछ लोग वर्क का नहीं बना पाए। तो आगे दुनिया के सब ये सब भी पढ़ चुके हैं, ये है ये डायमेंशनल डायमेंशनल इसी का स्क्रीनशॉट, बहुत बच्चा नहीं ले सका था, बहुत परेशान था, आज ले लो भाई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पूरे को कहते हैं इस पूरे को कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन, विमीय समीकरण, इतना सा को कहते हैं ये विमीय सूत्र, इसको पावर को कहते हैं डायमेंशन, आज दिख भी रहा होगा हमको पूरा भरोसा है, और एफ और ये क्या हुआ फोर्स, इस काम को कहते हैं विमीय विश्लेषण। ठीक है, इस तरह से ये जो सातो था इसका नाम। ठीक है, इतना बात ये भी पढ़े थे। चलिए आगे देखते हैं चार्ज के बारे में, इसके बारे में पढ़े थे और इसके बारे में एक आध बच्चा बोल भी दिया था कि सर थोड़ा सा और समझा दीजिए, कोई बात नहीं है। चार्ज क्या है, चार्ज ये सब कल का क्लास है, ये सब कब का क्लास है, कल का क्लास है, यही हम आपको फायदा, 5 मिनट लगा होगा लेकिन पूरा कल का क्लास आपको कम से कम एक बार नजर के सामने गुजर तो गया, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक बार नजर के सामने गुजर गया, उसका मेन मेन पॉइंट हम फटाफट फटाफट बोल दी, टाइम भी बच गया, आपको रिवीजन भी हो गया। चार क्यू, हाँ जी, अरे ये तो बहुत तेजी से जूम हो जाता है भाई, चलिए कोई बात नहीं। चार्ज क्यू, चार्ज का ये क्या है, ये जो क्यू है ना, ये जो क्यू है, ये क्यू इसका डिनोशन है, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, क्यू बराबर होता है आई गुना टी। ठीक है, तो क्यू डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, वो लिखते हैं, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम जीरो एल जीरो ए गुना टी। देखिए चार्ज बराबर होता है विद्युत धारा गुना समय। ठीक है, या विद्युत धारा इक्वल टू लिख सकते हैं चार्ज बटे समय, लेकिन विद्युत धारा क्या है ये फंडामेंटल है, समय क्या, यही समझना कि चार्ज किस दो फंडामेंटल से मिलकर बना है, विद्युत धारा और समय, इलेक्ट्रिक करंट और टाइम, चार्ज किससे किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रिक करंट और टाइम, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम आई ले लेते हैं, टाइम के लिए हम टी ले लेते हैं। ठीक है, दैट इज द थिंग, ये चीज हम आपको खूब बढ़िया से समझा दिए थे और आई होप ये सब चीज भी बताए थे और यहां तक ही क्लास लिए थे। ठीक है, अब हम आते हैं आज के क्लास पे। ठीक है, चलिए ये क्या आज का क्लास आ गया, कल का भी क्लास, अब हम स्टार्ट करते हैं सादा पेज से। और हम अभी तक में क्या पढ़े हैं, सबसे मुख्य बात जो हम लोग पढ़े हैं वो पढ़े हैं कि हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल में क्या करते हैं, हम डिराइव्ड को किसके रूप में बदलते हैं, फंडामेंटल के रूप में। कोई भी आदमी पूछेगा कि आप इस चैप्टर में क्या करते हैं, अभी तक आप जो सीखे हो आप क्या बोलिएगा, एक ही बात बार बार बोलिएगा कि हम हर डिराइव को फंडामेंटल के रूप में बदल सकते हैं, आप आंख मूंद के कोई भी दे दो हम उसको फंडामेंटल के रूप में बदल देंगे बस। तो अगर हम आपको इस लायक बना दिए कि हम कोई भी दें और आप उसको बदल दें तो आपका काम हो गया। बात समझ गए, और इसके अलावा हम और कुछ चीजें बताए थे, देखिए आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा है, ये देखिए ये ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा जस्ट फन के लिए भी और नया नया चीज सीख भी रहे चिंता। तो चार चीज जो है, यही चारों चीज इंपॉर्टेंट है, डायमेंशनल विमीय विश्लेषण, यानी कि अगर एकदम ध्यान से देखिए एक एक वर्ड में अगर हम लिखते जाए इसके बारे में गौर से देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस, तो इसको क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न को व्युत्पन्न को मूलभूत के
रूप में बदलना, के रूप में बदलना। अब देखिए इंग्लिश वाले को परेशान नहीं होना, ये एक ही चीज कितना बार बोल चुके हैं, 5 बार बोल चुके हैं, यानी कि डिराइव्ड को फंडामेंटल के रूप में बदलना। और बदलने के बाद जो सूत्र प्राप्त होगा, बदलने के बाद जो सूत्र प्राप्त होगा उसको डायमेंशनल फॉर्मूला, और उस सूत्र में जो पावर चलाते हैं उसको कहते हैं डायमेंशन। और उस भौतिक राशि के साथ जो फॉर्मूला को अगर आप लिख दें तो इसको कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। इतना बात सबको समझ में आ गया, तो चलिए इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये कई बार बता चुके हैं। अब मेन बात पे आते हैं मेरे दोस्त, एकदम मेन बात पे, यानी कि आपको किसी भी चीज का लिखने आना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं, जैसे कि अगर आपको पूछेगा कि डिस्टेंस, तो इसके लिए आप फटाक से क्या लिखिएगा, एल। डिस्टेंस के लिए आप क्या लिखिएगा, एल। क्लियर? तो अगर आपको कोई पूछेगा कि बताओ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस यानी दूरी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दीजिएगा, एल। और डिस्प्लेसमेंट का बताइए, जल्दी जल्दी बताते जाइए और आप कंफर्म बता दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए एल, स्पीड के लिए। तो अब देखिए कैसे बदलेंगे, हम समझ रहे हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस के लिए क्या है एल, टाइम के लिए क्या है टी, तो बन गया एल टी माइनस टी, बोल एल टी माइनस वन, ये टी ऊपर गया तो पावर माइनस वन। बोलिए ये भारी है, जरा भी भारी है नहीं। अच्छा, वेलोसिटी, वेलोसिटी के बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, विस्थापन बटे समय, तो उसके लिए भी एल बटे टी, तो क्या बन गया एल टी माइनस वन, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन का क्या होगा, देखिए ये बार बार बता रहे हैं, इतना अगर आप जान गए ना तो देखिए अभी तुरंत आपको हम बता देंगे कि आज के क्लास में आप ऐसे बोलिएगा कि हम कोई, आप हमको कुछ भी दीजिए सर हम बना देंगे, और अभी आप देख लीजिएगा ये काम हम कर देंगे। एक्सेलरेशन के लिए होता है क्या, वेलोसिटी बटे टाइम, एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, वेलोसिटी बटे टाइम। तो वेलोसिटी के लिए तो आप लिखे हुए हैं क्या, एल टी माइनस वन, तो हमको क्या करना है, हमको बोला कि एक्सेलरेशन को बदलो किसमें, फंडामेंटल में, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या ले लिए एल टी माइनस वन, और टाइम के लिए क्या ले लिए टी, टी ऊपर गया तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया एल टी माइनस टू, देखिए टी ऊपर गया माइनस वन। क्लियर? इतना में किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए, ये सब चीज अगर आपको याद रह गया, ये सब कुछ अगर आपको याद रह गया, तब अब देखिए कोई पूछेगा क्या फोर्स का बताओ, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, आपको क्या पता होना चाहिए फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू एम गुना ए होता है। ठीक है, तो एम के लिए तो आप क्या लिखिएगा, कैपिटल एम, एम क्या है मास, एम क्या है मास, द्रव्यमान गुना त्वरण। अभी तुरंत हम त्वरण का क्या देखें, एल टी माइनस टू, तो एम के लिए तो एम लिख दिए, ए के लिए क्या लिख दीजिए एल टी माइनस टू। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या हो? अब कोई भी अगर आपको बोलेगा, आप देखते जाइएगा अपने आप नहीं बता दिए तो मेरा नाम जेपी उजाला नहीं। ठीक है, अभी अगर हम आपको बोले वर्क, और हम आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला दे दें, ठीक है, कार्य, कार्य का डेफिनेशन क्या होता है, कार्य का डेफिनेशन होता है बल तथा बल की दिशा में विस्थापन, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को एस, लेकिन ये है क्या, ये है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए अभी तुरंत देखे थे डिस्प्लेसमेंट एक क्या है लेंथ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्स के लिए क्या पुट कर देना एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट के लिए एल। ये भी आंसर है, बहुत बच्चा यही आंसर भेजा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आप डर मन में क्या है, वो इस एल और इस एल को गुना नहीं किया, जबकि वो कर सकता था, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। बोलिए इसमें कहां आपको चीजें टफ लगी, आप सोचिए, कहने का मतलब आपको कोई भी फॉर्मूला दे दे, ये देखिए हम आपको दे दिए मोमेंटम, जब कोई उतारा उतारी नहीं होगा, सिर्फ समझा रहे हैं, और ऐसा समझा देंगे कि आप अभी तुरंत बोलिएगा सर आप फॉर्मूला दो हम निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, बात समझ रहे, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम को सूचित करते हैं पी से, और इसका हिंदी नाम है संवेग,
ठीक है। और इसका डेफिनेशन अगर बोला जाए तो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि p बराबर क्या लिख सकते हैं, m गुना v। अब सोचिए इसका कोई बोलेगा डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप m के लिए क्या लिखिएगा, बोलिए कैपिटल m, हाँ या ना। अच्छा v के लिए क्या लिखिएगा, बोलिए v के लिए क्या लिखिएगा, तो वेलोसिटी, v क्या है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का तो आपको याद है क्या, lt माइनस वन, तो m तो लिख दिए, साथ में क्या लिख दीजिए, lt माइनस वन, कोई कंफ्यूजन। अब इन सब चीजों को हम लिख के रख लें, अब एक सेकेंड, आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो, नहीं लेना है तो नहीं लो, इसमें कुछ बहुत खास बात नहीं है, ठीक है, हम दिख रहे हैं ठीक ठाक, फ्रेश पक्का, बहुत थक गए हैं। सुनिए ध्यान से, आपको पता चलेगा कि क्यों थक गए हैं, सिर्फ आपके समय को बचाने के लिए अपना दुगुना समय दे रहे हैं। अगर अब भी आप अपने अपने आप को अपना फायदा नहीं करते हैं तो एक मतलब विचित्र बात हो जाएगी। तो चलिए इतना आप लोग समझ गए, क्लियर, अब हम इसको मिटा देते हैं ठीक है, या नहीं तो चलिए एक ऐड कर लेते हैं ठीक है। ध्यान से सुनिए, अब आपको कोई भी इधर देखिए, कुछ कुछ का आप खाली लिख लीजिए, डिस्टेंस का एल, इस साइड बना नहीं देंगे ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का एल, स्पीड का एल बटे टी यानी एल टी माइनस वन, कुछ नहीं है ठीक है, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यानी एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, क्यों, एक्सेलरेशन का क्या होता है, कहां चला गया एल टी, और एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, वेलोसिटी बटे टाइम यानी एल टी माइनस वन बाय टी यानी कि एल टी माइनस टू। अच्छा फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का क्या हो गया एम एल टी माइनस टू ठीक है। इतना आपको बता दिए, दिख रहा है सब लोगों को, हाँ ठीक ही ठाक दिख रहा है आज तो कल की तुलना में, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम इधर आते हैं तो हम तो उधर जाके देख नहीं पाते हम कैसा दिख रहे हैं, बात समझ रहे हैं, बड़ा खतरनाक वाला बात हो गया और ये इसके चलते थोड़ा सा दिक्कत भी होता है, आई होप हम दिख रहे होंगे। अब आप सोचिए आज आपको इतना बेहतरीन चीज बताने वाले हैं, जो भी हैं जहां भी हैं एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाइए और एक दिन में, और ऐसा माहौल बना दीजिए कि नहीं भाई ये चीजें बहुत आसानी से सीखी जा सकती, हम आपको कुछ भी दे दें, मान लिया जाए आपको दे दिए कि चलो अल्फा एक फिजिकल क्वांटिटी है, अल्फा कोई भी एक भौतिक राशि है, व्युत्पन्न भौतिक राशि, और वो किससे मिलकर बना हुआ, लिखिए उसका फॉर्मूला लिख देते हैं, एफ गुना भी, उसका फॉर्मूला क्या लिख देते हैं, एफ गुना भी, कहता है कि अल्फा का आप बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला, अल्फा का फॉर्मूला क्या दिया हुआ, एफ गुना भी, कहता है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, आपको निश्चिंत एकदम रिलैक्स रहना, हाँ सर ठीक है निकाल देते हैं लाइए ठीक है। एफ एफ के लिए देख लीजिए क्या है, एम एल टी माइनस टू, वेलोसिटी के लिए क्या है, एल टी माइनस वन। अब सिर्फ और सिर्फ इसको गुना कीजिए, एम एल एल दो को है एल स्क्वायर, टी माइनस टू माइनस वन, तो दोनों माइनस माइनस जुट जाएगा माइनस थ्री, आंसर बोलिए, इसमें आपको जरा भी भारी लगा सही से बोलिए, एकदम दिल से बोलिए। अच्छा चलिए, बीटा एक फिजिकल क्वांटिटी है, एंजॉय द क्लास, मतलब आज आपको यह महसूस होना चाहिए ना कि सर आपको ये, आप जब अगर किसी के सामने ये बोलिए, अगर जानते हैं हमको सिर्फ दूसरा क्लास लिया, वो आदमी जो भी था हमको नहीं पता, वो आदमी मेरा दूसरा क्लास लिया और मेरे पास इतना भी मन में बैठ गया है चीज कि हमको कोई भी फॉर्मूला देगा ना हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल देंगे, तब मेरी जीत होगी और तब आपकी भी जीत होगी ठीक है। कोई डर भय नहीं होना चाहिए, बाप रे बाप बहुत भयानक है, कुछ नहीं है। इधर देखिए बीटा, अब बीटा के लिए अगर हम लिख दें W बटे टी,
ओ सर जी डब्ल्यू का तो नहीं बताया, तो अभी तुरंत हम आपको वर्ड का क्या बताए थे, देखिए तो वर्ड क्या क्या बताए थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब फोर्स का क्या था एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का क्या था एल, तो क्या बन गया था एम एल टी टू एम एल टू टी माइनस टू, ये हो गया था। अब हमको वर्ड का पता चल गया, तो वर्ड का क्या है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्ड का पता चल गया, तो अब हम वर्ड पर, अब देखिए क्या कीजिएगा, आपको बनाने बोलेंगे, अब क्या कीजिएगा बोलिएगा, बना देते हैं। क्या लिखना है वर्ड का, लिख देना वहां पे एम एल एम एल टू टी माइनस टू बटे, क्लियर, बटे क्या टी का मतलब कैपिटल टी, अब टी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए इसीलिए आपको देखे होंगे कि हम एक्सपोनेंशियल वाला एक दिन पहले पढ़ा दिए कि आपको ऊपर नीचे ले जाने में दिक्कत नहीं हो, सोचिए हम क्या सोच के कोई चीज करते हैं, बात समझ रहे, मेरा पूरा फोकस होता है कि मेरे पास जो पढ़ने आया उसको हम तेज बनाए, भले बच्चे को लेट से पता चले, अगले साल पता चले, उसके अगले साल पता चले, पता चलना तय। हम आपको चैलेंज के साथ कहते हैं कि जिंदगी में अगर आप मेरा एक बार भी क्लास करके छोड़ दिए हैं कुछ भी कभी भी, आपको जिंदगी में एक न एक बार जरूर पछतावा होगा कि काश कुछ दिन और कर लिए होते, एकदम ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा आत्मविश्वास है ऊपर वाले की दया से। तो अब देखिए एम एल तो दो ठो है, लिख दो एम एल स्क्वायर, अच्छा टी माइनस टी है नीचे तो वन है, ऊपर गया तो माइनस वन, तो कैसा बन गया टी माइनस टू माइनस वन, अब ये क्या बन गया माइनस थ्री एम एल टू टी माइनस थ्री। अब गौर से देखिए तो बीटा का और अल्फा का दोनों का एक है कि नहीं, गौर से देखिए तो एम एल टू टी माइनस थ्री, अब देखिए दोनों का फॉर्मूला अलग अलग था, इसका फॉर्मूला था फोर्स इंटू वेलोसिटी और इसका फॉर्मूला था वर्क बटे टाइम, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया सेम यही। अब आप सोचिएगा कोई बच्चा हमसे पूछा कि सर हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ते ही क्यों है, नहीं पढ़ते हम नहीं करते डायमेंशनल, हम तो क्या बताएं कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, लेकिन वो पूछा कि हम पढ़ते ही क्यों है, नहीं पढ़ते, यही के लिए पढ़ते हैं कि वैज्ञानिक लोग इस मेथड से पता कर लेता है कि ये वाला क्वांटिटी और ये वाला यानी कि अल्फा और बीटा एक ही जैसा चीज था, यानी कि जो चीज अल्फा है वही चीज बीटा भी है, लेकिन फॉर्मूला देख करके बड़े बड़े आदमी को समझ में नहीं आएगा कि ये तो कहता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये तो कहता है वर्क बटे टाइम, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों एक ही चीज है। और आपको पता है वर्क बटे टाइम असल में होता क्या है, याद कीजिए पढ़ाया गया कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कार्य बटे समय कार्य करने की दर, यानी असल में जो ये बिटवा है ये बिटवा नहीं है, ये बिटवा नहीं है, ये क्या है ये पावर है शक्ति है, तो ये भी अल्फा नहीं है, ये किसके जैसा है शक्ति के जैसा, यही है इसका वैज्ञानिक कमाल। यानी कि आप इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, आप इस चैप्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं, आप इस चैप्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस ये करने के बाद आपको अंदाजा पता चल जाता है कि फलनमा और फलनमा एक रहो रे, देखे में लगे रहो अलग अलग छो रहो एक चीज बा, तो वैज्ञानिक को यही चीज फायदा दिया कि इस एनालिसिस से वो पता कर लेता है कि फलाना और फलाना एक ही जैसा है। मजा आया मजा आया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आपको फटाफट बताते जाएंगे और भी चीज। ठीक है थोड़ा सा गोरा दिखे अभी, सही से बोलिए तो थोड़ा गोरा, अरे बहुत काला दिख रहे हैं भाई कुछ दिन से, समझ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं उतने काले हम हैं नहीं, कभी मिल लीजिएगा आके हल्के ही हैं, ठीक ना, आगे बढ़े आगे बढ़े। चलिए अब आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर आप हमको कुछ दीजिए हम अब बनाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस आया तो चलिए देते हैं।
ठीक है, अब आपको देंगे और जैसे एक बोले क्या गामा, हम तो गधा घोड़ा भी दे सकते हैं, चलिए हम गामा ही दिए, और गामा का आपको फॉर्मूला लिखे, गामा का आपको फॉर्मूला लिखे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, क्या लिखे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। अब आपको बोले कि गामा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताओ, गामा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताओ, जल्दी सोचिए गामा का डायमेंशनल फॉर्मूला, फास्ट कॉपी में कैलकुलेट कीजिए, फास्ट। फोर्स का आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट का पता है, टाइम का पता है, तो क्या आप बना नहीं सकते हैं? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, बना दिए, वेरी गुड। आई होप बहुत लोगों का धीरे धीरे आना भी शुरू हो चुका है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए फोर्स, फोर्स के लिए लिख दो भैया एम एल टी माइनस टू, हमको बदलना है भैया, क्या करें, हमको बदलना है, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट के लिए भैया जी का जी एल जी लिख दो भैया जी एल जी, टाइम के लिए जी भैया जी टी जी, काम खत्म जी, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री जी, काम खत्म। और जानते हैं, याद कीजिए, अभी अल्फा और बीटा का भी यही आया था, हाँ या ना, अभी अगर देखिएगा तो अल्फा और बीटा का भी यही आया था, गामा का भी वही आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अब गौर से देखिए, अल्फा में लिखे थे अगर याद कीजिए तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, बीटा में लिखे थे वर्क बटे टाइम, गामा में लिखे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए तो गौर से देखिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो वर्क हो जाएगा, तो ये तो वर्क है, अब बटे क्या है, टाइम, ये तीनों एक ही चीज है, देखो खतरनाक मेरे मित्रों, ये तीनों एक ही चीज है, फोर्स इंटू एस करेंगे तो क्या हो गया वर्क, तो वर्क बटे टाइम, या इस दोनों को कर दीजिए तो डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम क्या होता है वेलोसिटी, तो यानी ये क्या है फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी कि ये फोर्स इन वर्क बटे टाइम भी है और फोर्स इंटू वेलोसिटी भी है, और सब मिला जुला के क्या है पावर। कमाल देखिए, कमाल देखिए, डायमेंशन एक ही चीज है। अब हमारे साथ क्या होता, अब हमको कोई बोलेगा ये तीनों फॉर्मूला याद रखो, बाबा रे बाबा, जान निकल जाएगा, वैसा नहीं है, कोई एक याद रखो सब काम आ जाएगा। चलो अगला देते हैं आप लोगों को, गौर से देखिए, गौर से देखिए, अगर पसंद ना आए तो बोलिएगा, एरिया, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है, सोच के, एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, जल्दी बोलिए, एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, अरे हाँ या ना, सही सही बोलो, देखते जाइए कितना इजी है। अच्छा तो अब बोलिए, तो ये अगर एरिया होगा, ये लंबाई होगा, ये चौड़ाई होगा, तो इसके लिए लंबाई के लिए एल लिखेंगे, तो चौड़ाई के लिए क्या मास लिखने जाएंगे, तो ये भी क्या होगा एल, यानी कि लंबाई भी लेंथ ही है और चौड़ाई भी लेंथ ही है, क्लियर, ऊंचाई भी क्या है मेरे दोस्त, लेंथ है, तो इसके लिए आ चुका है आप लोगों का आंसर, हमको पूरा भरोसा है आप पे, एल स्क्वायर वॉल्यूम, बोलिए एक एक सेकेंड में, वॉल्यूम आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जल्दी बोल दो फटाक से, कितना एल क्यूब, इससे क्या साबित हो रहा है, इससे क्या साबित हो रहा है कि सर आपको छू दीजिएगा ना, हम बनाइए देंगे, हमको खाली फॉर्मूला पता होना चाहिए, बना तो हम भगवान जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल देंगे, हाई रिपॉप, इतना कॉन्फिडेंस, यस सर, आप कोई दीजिए तो आप फॉर्मूला दे दीजिएगा, हम बना देंगे। तो अब यानी आपका काम क्या है कि किसी तरह आपको फॉर्मूला याद रहे तो फिर तो जिंदगी मस्त हो जाएगी। अच्छा देखिए, वो भी चीजें हम धीरे धीरे आपको सिखाएंगे। अब देखिए
डेंसिटी घनत्व। अगर आपसे कोई पूछेगा कि चलो घनत्व तो क्या बताओ, तो हो सकता है आप एक मिनट के लिए फंसे, लेकिन इसको सूचित करते हैं रो से, इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो, रो। और डेंसिटी बराबर होता है, देखते हैं एक सेकेंड, मास बटे वॉल्यूम, क्या होता है मास बटे वॉल्यूम। अब आपको दे दिए, अब आपको इसका फॉर्मूला बताना है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। मास के लिए क्या लिखोगे तुम सोचो, वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे तुम सोचो, आंसर क्या दोगे ये भी तुम सोचो, देखेंगे हम। क्लियर, बहुत बच्चे का आंसर आ रहा है, ये हम 100% श्योर है, आपके तेजी पे हमको पूर्ण भरोसा है, आपको तेज बनाने वाला चाहिए। तो मास के लिए क्या लिखोगे मेरे दोस्त एम, और वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे एल थ्री, ऊपर चला दो खाली एम एल माइनस थ्री, दैट्स ऑल। तो बोलिए ये क्या भारी है, ये क्या भारी है, कहने का मतलब आपको कितना भी भारी भारी चीज दे दिया जाएगा तो आप उसका निकाल दीजिएगा कि नहीं निकाल दीजिएगा। बहुत लोग इसको 10 20 30 एक महीना पढ़ते रहते हैं, ठीक है भैया पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना आपके बच्चों को एक बार समझा दो कि एक दिन में भी इसको समझा जा सकता है, बस आपका दिमाग फ्रेश होना चाहिए, समझाने वाला एनर्जी के साथ समझा रहा हो, कुछ भी बोल दो। हम बोलते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम, संवेग, फॉर्मूला लिख देते P बराबर एम गुना भी। अब बोलिएगा अभी तुरंत तो बनवाए थे सर, तो बनवाए थे तो फिर बना दीजिए, तो M के लिए M, अब V के लिए एल टी माइनस वन, कहानी खत्म। अब सोचिए मजाक नहीं चल रहा है क्या है? बोले तो M का पता है कि मास का M होता है और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन उठा के लिखना, ये सोचिए तो आपको तो लगना चाहिए कि सर ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन आप बिलीव कीजिए सब लोग इतना तेजी से नहीं जानता है। बात समझ रहे? अच्छा चलिए एक और देते हैं, एनर्जी। अरे बाबा मिट मिटता नहीं है एनर्जी। अब एनर्जी का हम आपको एक फॉर्मूला दे देते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला दे देते हैं, mgh, m क्या है मास है, g क्या है त्वरण है, और h क्या है हाइट है। सोचिए अब लिखना शुरू कीजिए, सोचिए M के लिए क्या लिखेगा कैपिटल M, G क्या है त्वरण, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये क्या है त्वरण, तो बोलिए इसके लिए क्या लिखेगा एल टी माइनस टू, भारी लग रहा होगा तो बोलिएगा। और H ऊंचाई, ऊंचाई भी एक प्रकार का लंबाई हुआ, L क्या बन गया एम एल टू टी माइनस टू। अब देखिए एक और चीज आपको समझ में आया होगा, देखिए तो कार्य का भी क्या आया था, कार्य का भी क्या आया था ML 2T माइनस 2, गौर से देखिए तो, और ऊर्जा का भी क्या आया, इसका मतलब है कि कार्य और ऊर्जा भी एक जैसी राशि है, ये भी समझ में आ गया, हाँ या ना। अच्छा इसका दूसरा फॉर्मूला देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, इसका दूसरा फॉर्मूला देते हैं। अब इस पे पुटा पुटो हुआ, हम कल आपको सिखाए थे कि हाफ का कुछ नहीं होगा, हाफ क्या है संख्या, संख्या का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, डायरेक्ट आपको किस चीज का लिखना है मास का एम। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी पुट कर दीजिए एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, अब गौर से देखिए इसको इधर कर दीजिए इस पे पावर, तो एल स्क्वायर टी माइनस वन गुना टू माइनस टू माइनस वन गुना टू माइनस टू, हाँ या ना। तो एम एल टू टी माइनस टू, यानी कि कोई भी फॉर्मूला हम आपको दे रहे हैं आप फटाक से बना रहे, तो हम आपको नहीं बनवा रहे हैं, लेकिन हम ऑफलाइन क्लास में रहता है ना, तो तेज बच्चों का जो ग्रुप होता है उसको एक एक दिन में 100 फॉर्मूला बनवा देते हैं,
और बना देता है एक घंटे के अंदर में स्वार्थ बनाता है, मतलब एक मिनट से कम में बना बना के दिखा देता है। आप भी बना देंगे, उनको पूरा भरोसा है। शर्त इतना ही है कि आप पूर्ण विश्वास के साथ पढ़ रहे हैं कि वाह हमको मजा आ रहा है, हम कुछ नया चीज सीख रहे हैं, हम अपना ताकत पूरा दिखाएंगे। बस वो एंजॉयमेंट, वो दिल में खुशी, वो बिजनेस माहौल वाला मन से आप भी एकदम, हम बिजनेसमैन हैं तो आप भी कस्टमर से कम नहीं है, बात समझ रहे। हम दोनों में जो रिलेशन है ना, हम दोनों में रिलेशन एक पिता पुत्र का होना चाहिए, बड़ा भाई छोटे भाई का रिलेशन होना चाहिए, चाचा भतीजा का रिलेशन होना चाहिए, उस तरह का अपनापन वाला रिलेशन होना चाहिए। अब बोलिएगा सर इतना अपनापन वाला रिलेशन बता ही रहे, पैसवा क्यों मांग रहे। बस वही वाला बात है, क्या आपके पास पैसा होगा तो आप अपने पापा को पैसे दे नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली ये संबंध ऐसा होना था, लेकिन ये बिजनेस के माहौल में ऐसा संबंध नहीं है। पर डरना नहीं है दोस्त, और ना हम डरते हैं। एक दिन हम ये साबित करके रहेंगे, एक दिन ये हम साबित करके रहेंगे कि गुरु और शिष्य का रिलेशन से प्यारा और सुंदर सम्मानजनक कोई दूसरा संबंध हो ही नहीं सकता है। बशर्ते इसके लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो, कभी ना कभी ये बात जरूर सिद्ध होगी। चलिए ये हो गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्हें की प्रवचन बहुत ज्यादा हो गया समझ में। तो अब आप बोलिएगा सर हमको ये सब उतारना है, ये सब उतारना है, इसका व्यवस्था भी तो किए होंगे सर जी। सब व्यवस्था है दोस्त, तुम सीख तो लो, उतारा उतारी के लिए सारा व्यवस्था। बोले ना कि आपका टाइम कम नॉलेज ज्यादा देंगे, टाइम कम लेंगे नॉलेज ज्यादा देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। हम ज्यादा समय लेके ज्यादा नॉलेज देने में विश्वास नहीं रखते, हम कम समय में ज्यादा नॉलेज देने में विश्वास रखते। आइए मेरे मित्रों आ जाइए, आ जाइए। अगर अब आपको कोई बोले कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, गधा, गधा नामक एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसका फॉर्मूला है फोर्स बटे वेलोसिटी गुना टाइम। अब बताना है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। फोर्स है वी फॉर वेलोसिटी है, टी फॉर टाइम है, बल है, वेग है, समय है। आप खोजिए, आप अब बार बार उधर देखना नहीं, इतना गो का तो कम से कम आपको याद रह जाना चाहिए, ठीक है, इतना गो का, बाकी का आप धीरे धीरे याद कीजिए, इतना गो का फास्ट याद तो निकालना शुरू हो गए होंगे, बहुत बच्चा निकाल रहे होंगे, वेरी गुड। तो एफ के लिए क्या लिखेंगे, एम एल टी माइनस टू, इसके लिए क्या लिखेंगे टी, और इसके लिए क्या लिखेंगे एल टी माइनस वन, कोई दिक्कत। अब गौर से देखिए, एल एल कैंसल, हाँ है ना, मामा मामा मजा आ जाएगा। अब देखो दोस्त ये क्या है, एम t माइनस टू है, अब ये भी t ऊपर गया तो माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस, वो तो t था ही, एक और t आ गया तो क्या हो गया, एम टी माइनस टू और t स्क्वायर, टेना टेना आंसर क्या आ गया m। देखिए फॉर्मूला कितना भारी लग रहा था, f गुना t बाय v, और वो निकला क्या, मास। तो मास इक्वल टू एफ गुना टी गुना वी, कैसा गजब वाला खेला है रे भाई है कि नहीं बोलो, कैसा भी फॉर्मूला दे तो दो, हम कर देंगे इसको सॉल्व। और आपको कुछ नहीं करना है, जो जो दिया उसका मान पुट करना है, कट्टम कुट्टी खेलना। अब आप कट्टम कुट्टी खेलने में फंस जाते हैं तब तो बड़ा दिक्कत है। कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस आया, बोलो यस यस आ गया कॉन्फिडेंस, कुछ देख के तो देखिए फटाक बना दें, क्लियर। हाँ लेकिन अब उसको आपको उसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अरे हाँ या ना, चलिए एक और देते हैं, टॉ बराबर आर गुना एफ। अब ये आर क्या है समझिए, रेडियस। अब रेडियस क्या है, एक प्रकार का लंबाई तो है, यही सब चीज,
ऊंचाई भी लंबाई है, चौड़ाई भी लंबाई है, रेडियस जिसको भी आप मीटर में नाप सकते हैं वो सब क्या है, लंबाई, रेडियस को भी मीटर में नापते हैं। तो अब इसका अगर पूछेगा आर के लिए क्या लिखिएगा एल, और फोर्स के लिए क्या लिखिएगा एम एल टी माइनस टू, ये क्या हो गया एम एल टू टी माइनस, तो ये किसका आ गया, इसका जानते हैं ये किसका है, इसको कहते हैं बल आघूर्ण। आगे सब पढ़ाएंगे आपको फॉर डेफिनेशन वगैरह, इसको इंग्लिश में कहते हैं टॉर्क। तो अगर आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो बना तो दीजिएगा ही। तो अब मेन चीज क्या है, ये फॉर्मूला की पुटापुट हुआ, जल्दी बताइए। मेन चीज ये है कि ये मेन चीज ये है। अब पूरे फिजिक्स में आप हजारों चीज फॉर्मूला पढ़ेंगे और उस सब में ये पुट कर सकते हैं, दैट्स ऑल। यही है आपकी आज तक की, अभी तक की कहानी, क्लियर। तो चलिए अब आप सोचिएगा कि सर हमको ये सब चीज जितना भी बताए इसका डेफिनेशन वगैरह हम सब लिखाए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए अब व्यवस्था क्या किए, हम आपका समय बचे, क्योंकि अब इसको लिखाते लगते तो फिर बहुत टाइम लग जाता, एक क्लास में लोग चार गो पांच ठो लिख पाता है। अब देखिए हम आपको खटाखट व्यवस्था करते हैं। ये देखिए डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। डिस्टेंस के लिए लेंथ, लेंथ के लिए एल, एसआई यूनिट मीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला एम जीरो एल टी जीरो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखिए अब क्या है, यह समय पूरी तरह आपका बचा दी, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, आपको पता ये हम अभी लिखते मिटाते आप देखते। लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, ए से बी गया, जो पथ की लंबाई है उसी को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अगला विस्थापन, ए से बी तक गया, गौर से देखिए ए से बी तक गया, तो जो शॉर्टेस्ट पथ हुआ यहां से यहां तक उसको क्या कहे, डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट पाथ। इसको इसका कई डेफिनेशन है, डिस्टेंस ट्रेवल इन सर्टेन डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, या दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम सरल रेखीय पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी क्या लेंगे, लेंथ, लेंथ के लिए एल, एसआई यूनिट क्या हुआ मीटर, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला एम जीरो एल एल टी टू द पावर जीरो। कहानी खत्म, ठीक है, जल्दी जल्दी ले रहे हैं स्क्रीनशॉट, ले लीजिए, क्लियर क्लियर। सब एक एक करके आपको हम ये सब बेसिक चीजें हैं आपको बताया हुआ है पहले भी, परसों के भी क्लास में, मतलब डायमेंशनल होने से जस्ट एक क्लास पहले भी सब चीज समझाए। चलिए अगला, स्पीड, इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एकदम किस क्लास की बात है ये, ये देखिए कोई भी चीज लिखने वक्त ये जरूर सोचिए कि ये किस क्लास का बात है, इलेवेंथ का बात है या इससे पहले का बात है, और कोई चीज किस क्लास का कहलाता है, जिस क्लास में वो पहली बार आता है। आप सच सच बताइए पांचवां क्लास में भी आप चाल और दूरी का मैथ में क्वेश्चन बनाए थे कि नहीं बताए, हाँ या ना, तो ये तो है तो पांचवां ही क्लास का ना दोस्त, आप इसको 75 आप ग्रेजुएशन में जाके पढ़ लो, आप बुढ़ारी के दिन मरने दिन पढ़ लो तो क्या वो मरने दिन का हो जाएगा, वो रहेगा पांचवां का ही, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस के लिए भी तुरंत पढ़े थे क्या एल, टाइम के लिए टी, ऊपर गया एल टी माइनस वन, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड या इसको एम सेकेंड, डायमेंशनल फॉर्मूला सूर्या के लिख दिए एम जीरो एल टी माइनस वन। अगर इसमें कोई पूछेगा, इसी में कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि What is the question पूछ देगा, What is the dimension of time in speed? देखिए कोई अगर पूछ देगा कि स्पीड में समय का बीमा क्या है, स्पीड में
समय का बीमा क्या है, यानी कि चाल में समय का बीमा क्या है, तो क्या जवाब दीजिएगा? तो जो समय पे पावर है वही है इसका क्या बीमा, तो आंसर क्या होगा -1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन स्पीड इज -1। ठीक है, ये बात भी एकदम याद रखिएगा। अगर इसी में पूछ दे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो लेंथ के लिए क्या है लेंथ पे पावर 1, तो लेंथ का डायमेंशन, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बहुत बार पूछता है, तो जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम सब कुछ आपको फटाफट बताते चले जाएंगे एकदम। आज के क्लास में भी अगर आप प्रसन्न नहीं हुए, इसका मतलब है कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, हम तो नहीं बोलेंगे भाई नहीं है। ठीक है, अगला चार, वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, स्थिति या विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं भी? तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए एल, टाइम के लिए टी, डिस्प्लेसमेंट क्या लेंथ यानी एल टी माइनस वन। सब तो आपको पूरी तरह याद हो गया होगा, अरे बोलो तू भाई याद हो गया है? अब याद हो गया है तब तो एकदम जिंदगी ही आसान हो जाएगा। ठीक है, दो चार दिन में सब चीज का आपको फॉर्मूला रटवा देंगे, सब चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला आप फटा रटाएंगे ना, आप फटाफट निकालिए, बोलिएगा हमको दीजिए हम निकालेंगे, हमको दीजिए हम निकालेंगे, दैट्स द स्पिरिट। ठीक है, कोई दिक्कत? एल टी माइनस वन, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़े। अच्छा, अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बोले कि लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला, ये जरूर याद रखिएगा कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला बोलिएगा, इसको क्या बोलिएगा, विनीय सूत्र। ठीक है, तो विनीय सूत्र क्या हुआ, विनीय सूत्र हुआ एम जीरो एल टी टू दी पावर माइनस वन। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो भी मन है लिख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शर्त इतना है कि आपको आ जाना चाहिए, आपको आ गया तो बस कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या इसके आगे लिख सकते हैं कि समय के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, ऊपर पे लिखा हुआ है समय के सापेक्ष, तो आपको दो दिन से बता रहे हैं ये बात कि जब भी कभी दर की बात होती है तो समय, तो अब देखिए, तो इसके लिए इसको सूचित किससे करते हैं, ए से, स्मॉल ए से। ठीक है, तो इस स्मॉल ए इक्वल टू भी बटे टी, भी के लिए आप जानते हैं क्या, चूंकि भी बराबर क्या होता है एल टी माइनस वन, तो पुट कर देंगे एल टी माइनस वन बाय टी यानी एल टी माइनस टू। क्लियर, एस आई यूनिट इसके लिए मीटर पर सेकेंड बटे सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी एम एस माइनस टू। क्लियर, अच्छा डायमेंशनल फॉर्मूला भैया पूछ लो हमसे, हम बता देते हैं, मजाक चल रहा है भाई, एल यानी कि एम जीरो एल टी माइनस टू। क्लियर, कोई जान नहीं है इन सब बातों में, आगे बढ़िए। पांच नंबर, छह नंबर, द फिजिकल क्वांटिटी, नहीं लिए स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लीजिए, ले लिए, क्लियर।
द फिजिकल क्वांटिटी विच ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्चुअली चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ऐसी भौतिक राशि जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था को परिवर्तित कर दे या परिवर्तित करने की चेष्टा करे उसको क्या कहते हैं? बल कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला एफ बराबर क्या होगा? एम गुना ए। ये क्या आता है? ये न्यूटन के द्वितीय नियम से आता है। किससे? न्यूटन के द्वितीय नियम से। न्यूटन के द्वितीय नियम से आगे चल के ये सब हम प्रूफ भी करेंगे हम लोग सब मन के। और तो अब देखिए m के लिए m, a के लिए, चूंकि a के लिए आप क्या जानते हैं lt minus 2 पुट कर दीजिए lt minus 2। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट क्या होगा? m के लिए kg और a के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसी को क्या कहते हैं? न्यूटन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर कोई आपको बोल दे तो आप क्या बोलिएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला m l t माइनस टू। कोई दिक्कत इसमें भी कुछ जान नहीं था। चलिए अगला वर्क पढ़ाया हुआ है, सिखाया हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क। बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को क्या करते हैं? कार्य। इसको सूचित किससे करते हैं? W, W बराबर F dot S। ये फॉर्मूला Fs cos theta भी होता है, ठीक है, लेकिन cos theta एक संख्या है, cos theta एक रेशियो है संख्या, इसका कुछ नहीं होगा। आगे चल के ये सब भी सीखेंगे। F के लिए पुट किए एम एल टी माइनस टू, एस के लिए पुट किए L, बन गया एम एल टू टी माइनस टू। कोई कंफ्यूजन? इसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट क्या होगा? गौर से देखिए, F के लिए न्यूटन और S के लिए मीटर। कोई दिक्कत? और याद कीजिए, न्यूटन के लिए अभी तुरंत पढ़े थे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना मीटर, यानी कि kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जानते हैं इसी चीज को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? जूल। जूल बाबा के, जूल बाबा के सम्मान में इसी को क्या नाम दिया गया है? जूल। ठीक है, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपसे पूछेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलिएगा? एम एल टू टी माइनस टू। कोई दिक्कत? चलिए अगला, इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। ये जो बता रहे ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको खुश करने के लिए कि हाँ भैया ये लिखो। तो ठीक है, अगला मोमेंटम। मोमेंटम को किस चीज से सूचित करते हैं? पी से। पी इक्वल टू एम गुना भी। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। कोई वस्तु है, इसका मास है एम और ये जा रहा है भी वेलोसिटी से। मान लिया जाए 2 kg का वस्तु है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसका मोमेंटम हो जाएगा 20। क्या? 20 kg मीटर पर सेकंड। बच्चा वाला बात है, दोनों को गुना करना है भैया, कुछ और नहीं है। एम भी के लिए अब तक तो याद हो गया है एलटी माइनस वन। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट एकदम साफ दिख रहा है, केजी और मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन? और डायमेंशनल फॉर्मूला यही तो है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस ब्रैकेट में बड़ा, ऐसे सजावट है ये सब, इसका कुछ बहुत बड़ा उपयोग नहीं है। जो उपयोग है वो आपको पता नहीं है। इतना आप लोगों को सबको समझ में आ गया। अब हम आपको कुछ होमवर्क देंगे और उसको आपको ट्राई करना है घर में एच डब्ल्यू। ठीक है, कुछ कुछ हम देंगे, आपको पता करना है। अल्फा इक्वल टू है मास गुना
फोर्स बटे टाइम निकालना है आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। जस्ट प्रैक्टिस, कोई कंफ्यूजन, अरे बोल दीजिए। बीटा इक्वल टू एम गुना आर स्क्वायर, ठीक है, ये सब आपको निकालना है गामा। और हमको आप पे पूरा भरोसा है, पूरा आपको जितना आप पे नहीं होगा उससे ज्यादा हमको है, ठीक है। गामा मास बटे वॉल्यूम, और ये कोई दिक्कत पक्का ना, ठीक है। गामा डेल्टा फोर्स बटे एरिया, कुछ भी नाम लिख दे रहे हैं, टैना गल डेल्टा फिल्टा कुछ भी चलेगा। लास्ट लास्ट क्या होगा, चार एक छोड़ दे देते हैं, पांच हो जाएगा। चलिए, और x इक्वल टू वर्क गुना टाइम बटे वेलोसिटी। थोड़ा सा हो सकता है मेहनत लगे, पर कर लीजिएगा। ये सब का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख के रखिए, यानी कि आपको मन में भरोसा हो जाए। सर आप हमको फॉर्मूला कोई भी चीज का दे दीजिएगा ना, हम लिख तो लेंगे। तो फिर अगले क्लास में हम क्या करेंगे, अगले क्लास में बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, डेफिनेशन सिखाएंगे, उसके फॉर्मूला दे दे के आपको छोड़ेंगे और आपको बोलेंगे बनाने। दैट इज बहुत भयानक। देखिए वो करने में आपकी जिंदगी बनेगी। हो सकती है कुछ बच्चे भागे कि नहीं भैया ये तो अब बनवाने लगा हमसे, लेकिन जो अच्छा बच्चा होता है वो वही ट्यूशन खोजता है। अच्छा सोचिए कौन टीचर बढ़िया बोलिए तो, बनाने वाला बढ़िया टीचर की बनवाने वाला, जल्दी बोलिए। ए टीचर बढ़िया की बी टीचर बढ़िया, ए टीचर बढ़िया की बी टीचर बढ़िया, आप अपने फायदे के लिए बोलिएगा, मेरे फायदे में तो हमको पता ही वाला बढ़िया, कौन बढ़िया, ए की बी, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम बी बने और आप अच्छा स्टूडेंट बने, क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो भी टाइम हुआ आज का क्लास अब यहीं समाप्त करते हैं।